हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेल फैन तुषार। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ हमारी अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग की। तो इस ट्रेन को इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने 100 करोड़ के बजट से 18 मंथ्स में बनाकर रेडी कर दिया था। और अब बात करते हैं इसके फर्स्ट रन की। तो इसका पहला इनॉग्रल रन हुआ था 15 फरवरी 2019 को। इसको हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने फ्लैग ऑफ किया था न्यू दिल्ली से। और 17 फरवरी 2019 को इसका फर्स्ट कमर्शियल रन हुआ था न्यू दिल्ली टू वाराणसी के बीच। और दिल्ली से वाराणसी के बीच का डिस्टेंस कुल 769 किलोमीटर्स का है, जो इसने 8 आवर्स में कवर कर लिया था। यह ट्रेन सुबह 6 बजे न्यू दिल्ली से चलती है और दोपहर 2 बजे वाराणसी पहुंचा देती है। और इस ट्रेन के जर्नी के बीच में इसके 2 स्टॉपेज पड़ते हैं, फर्स्ट कानपुर सेंट्रल और सेकंड अलाहाबाद जंक्शन। ये ट्रेन कानपुर सेंट्रल सुबह 10:18 पर पहुंचा देती है और वहां लगभग 2 मिनट का हॉल्ट लेती है। और अलाहाबाद जंक्शन दोपहर 12:23 पर पहुंचा देती है और वहां भी लगभग 2 मिनट का हॉल्ट लेती है। इस ट्रेन में 2 टाइप के कोचेस हैं, फर्स्ट एसी चेयर कार और सेकंड एसी एग्जीक्यूटिव कार। इसका एनडीएलएस से वाराणसी के बीच का एसी चेयर कार का फेयर है 1755 रुपीज। और एनडीएलएस से वाराणसी के बीच का इसका एसी एग्जीक्यूटिव कार का फेयर है 3300 रुपीज। इस ट्रेन के अंदर जो एसी एग्जीक्यूटिव कार है उसकी चेयर्स 180 डिग्री घूम सकती है। और इस ट्रेन के अंदर फ्री वाईफाई, जीपीएस, टॉयलेट में लार्ज स्पेस, टच सेंस रीडिंग लाइट और किसी इमरजेंसी केस में पायलट से कांटेक्ट करने के लिए माइक प्रोवाइडेड है। और इस ट्रेन के जितने भी डोर्स हैं, चाहे वो मेन डोर हो या कैबिन डोर हो या टॉयलेट डोर हो, यह सब ऑटोमेटिक है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।